हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेबॉर्न ड्रॉप के बारे में। तो इसका उपयोग छोटे बच्चों में किया जाता है और इसको मार्केट में लेके आता है ज्वाइंटस हेल्थ केयर। तो इसका 15 ml का बॉटल रहती है जिसकी कॉस्ट रहती है 40 रुपया। तो दोस्तों, प्राइस तो अप डाउन होते रहती है। तो जब आप बच्चों को देते हैं इसे, तो बच्चों में इसका क्या फ़ायदे देखने को आ सकते हैं और क्या उससे तकलीफ़ें हो सकती हैं, या किन तकलीफ़ों में उन्हें देना चाहिए, कितने समय तक देना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप चाहते हैं कि मेडिसिन की जानकारी आपको ऐसे ही हमेशा हिंदी में मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये बेबॉर्न सिरप तभी दिया जाता है बच्चों को जब बच्चा कमज़ोर है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसको वीकनेस हो रहा है, उससे बार बार इनएक्टिव मोड दिखता है, बच्चा हमेशा उसको खेलने की रुचि नहीं रहती है, या बच्चा किसी तरह से अगर कमज़ोर है, शारीरिक क्षमता उसकी कम है, तब उसे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट है, बेबॉर्न ड्रॉप बहुत ही बेस्ट है, बच्चों में बहुत ही अच्छे से फ़ायदा देता है। तो दोस्तों, जब अगर बच्चा कमज़ोर हो या बच्चों की जैसे पीलिया जैसी बीमारी आ रही है, तभी भी डॉक्टर इसे दिया जाता है, डॉक्टर देते हैं इसे बच्चों को पिलाने में। और जब बच्चा कभी कमज़ोर है, इनएक्टिव है, मतलब उसको ज़्यादा कमजोरी है, वह खेलने वेलने में नहीं जाता है, बार बार हमेशा खाली सोने में ही रहता है, तभी भी इसको दिया जाता है। या बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार उसे सर्दी खांसी की तकलीफें हो रही है, तभी भी इसको दिया जाता है ताकि बच्चा बीमार कम पड़े। ऐसा नहीं कि आप दे देंगे तो बच्चा हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, होगा लेकिन थोड़ा कम होगा बीमार। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट देता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो इसे पिलाने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आप खुद से पिलाते हैं तो कहीं कम ज़्यादा हो तो साइड इफ़ेक्ट देखने को आ सकता है। तो साइड इफ़ेक्ट दोस्तों कि जब बच्चों को देंगे तो हो सकता है उल्टी करें, उसके डाइजेशन सिस्टम प्रॉब्लम आए, अपचन जैसे महसूस हो, मेटालिक टेस्ट उसको महसूस हो, ये टेम्परेरी रहता है, चला जाता है। दोस्तों, अगर ऐसा अगर देखने को आ रहा है, बच्चा बार बार उल्टी कर दे रहा है इसको पिलाने के बाद, या बच्चा बार बार जुलाब कर रहा है, तो इसको ना दे, डॉक्टर की सलाह ले इसको देने से पहले। तो दोस्तों, इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो जब आप देना स्टार्ट करते हैं बेबॉर्न ड्रॉप, तो देखेंगे कि बच्चा हमेशा उसकी फुर्ती बनी रहेगी, बच्चे की खेलने में रुचि आएगी, बच्चा जो वीकनेस था अब थोड़ा तंदुरुस्त लगेगा, बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छे से बूस्ट हो जाएगा, ताकि उसको बार बार बीमारी जो पड़ रही थी, जिसकी वजह से बार बार वीकनेस हो जा रहा था, वह अब नहीं होगा, कम होगा। तो दोस्तों, ये सारे फ़ायदे आप देखने को मिलेंगे इसके साथ। तो इसको आप अगर 6 महीने का बच्चा है तो उसे आप इसे 5 बूंद तक पिला सकते हैं, ट्वाइस डेली पिला सकते हैं, या 1 साल का बच्चा है तो उसे आप 1 ml तक पिला सकते हैं ट्वाइस डेली या वंस, जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको ऐसे ही जानकारी मिलते रहे, तो आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर कोई डाउट है बेबॉर्न से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।